सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए जो है एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, और इस टॉपिक में जो है मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ऑल अबाउट NMMS एग्जाम, यानी आपको है नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। अब ये एग्जाम क्या है, कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसका जो है एलिजिबिलिटी क्या होती है, और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं, और आपका कब एग्जाम होता है, अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं, और फाइनल आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई कि स्कॉलरशिप आपको कितना दिया जाएगा। तो चलिए, आप सभी का वेलकम है इस यूट्यूब पे और मेरी इस क्लास में। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और आज का जो अपना टॉपिक है और आज का जो अपना मुद्दा है उस मुद्दे पे थोड़ा सा बातें करते हैं। ये जो है बात है कि ऑल अबाउट NMS का जो एग्जाम होता है ये कौन देता है ना। MMS का जो NMS का जो एग्जाम होता है इसे कौन देता है, और इस एग्जाम को देने के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और इस पूरी क्लास में जो है मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम जो है रजनीश है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया है। आफ्टर डेट डिप्लोमा करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी किया है मैथमेटिकल ऑनर से। मैं आपको मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जो कि पूरे क्लास जो भी बच्चे क्लास 7th से लेके 12th 10th तक जो भी ओलंपियाड वगैरह अगर आप लोग देना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन जो है मैं आप लोगों को कराता हूँ। 7 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और मैक्सिमम सिलेक्शन आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि 2020 और 22 में मेरे द्वारा कराया गया है। मैंने खुद ALP का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। हेल्प मेनी स्टूडेंट, स्कोर जो है 95%, यानी 95 नंबर से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैंने NTSC में सेलेक्शन करवाया है मैट वाले सेक्शन में, और प्रोड्यूस टॉप रैंकर इन NTSC। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके वाले इस बेल आइकन पे जहाँ ऑल लिखा होगा इसको ऑन कर दीजिएगा। और टेलीग्राम से जो भी नहीं जुड़े हैं आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जो भी मेरी क्लासेस आती हैं या टेलीग्राम पे जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे जो है प्रोवाइड कर देता हूं, तो आप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए अब जो है प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हूँ। आप लोग जो है दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जो है मेरी वहाँ पे क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए जरा बात करते हैं इसके बारे में, और ये जो है अपना चर्चा है, और इस चर्चे को जो है हम लोग आगाज करते हैं। सबसे पहले जो इसमें बात है कि भैया एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन जो है इसमें एलिजिबल होता है। तो एलिजिबल के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले जो है अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, है ना, यानी आपको क्लास 8 में अगर हैं तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं, यानी क्लास 8 के ही स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को देते हैं, यानी आपको क्लास 8 में होना जरूरी है। अगर आप क्लास 8 में आए हैं तो जरा 7th की भी बात सुन लीजिए कि अगर आप क्लास 8 में आए हैं तो 7th क्लास में आपका 7th क्लास में जो है आपका मिनिमम जो नंबर होना चाहिए वो 55 से लेके 60% के बीच में होना चाहिए, तभी जो है आप इस एग्जाम को एलिजिबल होंगे। और दूसरी कहानी ये होती है कि आप जो है क्लास 8 के स्टूडेंट होने चाहिए, और क्लास 8 में जो है विथ 60% आप पास आउट होने चाहिए। मैं ये बाद में बताऊंगा इस टॉपिक के ऊपर कि 60% ही क्यों चाहिए हमको 8 क्लास में, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपकी जो फैमिली है, यानी आपके जो पापा हैं, है ना, या आपकी मम्मी है, जो भी आपके फैमिली में काम करता है, उनकी जो एनुअल यानी जो ईयर वाला होता है, जैसे हम लोग कहते हैं उनका जो इनकम होता है, इनकम आपका जो होता है वो 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से जो है क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी अगर आपके पापा काम करते हैं, अगर आपकी मम्मी काम करती हैं, तो उनका जो इनकम होना चाहिए, ये मैं ईयरली बात कर रहा हूँ, सालाना बात कर रहा हूँ, ईयरली 1.5 लाख जो है होना चाहिए, यानी 1.5 लाख रुपए जो है वो सालाना होना चाहिए। अगर आपके पापा, अगर आपके मम्मी, ये कोई भी वर्क करता है, अगर उनकी सालाना इनकम 1.5 लाख से कम है तो जो है आप इस एग्जाम में एलिजिबल हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और कौन कौन बच्चे जो है इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, जैसे कि आपको पता है KBS यानी केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं।
आपको पता है सैनिक स्कूल के बच्चे जो है इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, यानी जो भी ऑलरेडी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, या कोई भी बच्चा हो जो नवोदय स्कूल में पढ़ता है वो नहीं दे सकता है। ये जो है आप लोग नहीं दे सकते, नॉट अलाउड है ना, नॉट अलाउड। क्यों अब ये नॉट अलाउड है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी बच्चे केबीएस में पढ़ते हैं, या जो भी बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, या जो भी बच्चे नवोदय स्कूल में पढ़ते हैं, ऑलरेडी भारत सरकार के यहाँ से उनको स्कॉलरशिप दिया जा चुका है, स्कॉलरशिप मिलता है उन लोगों को। इसीलिए जो है अगर आप किसी भी स्कूल से आते हैं, इन सभी जो भी मैंने स्कूल के नाम बताया है, या कोई भी ऐसा स्कूल जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल जो है नहीं है आप। तो ये आप लोगों को एलिजिबिलिटी समझ में आ गई कि आपको जो है 7th क्लास पास आउट होना चाहिए। मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए 55 से लेके 60% तक आपका होना चाहिए। और क्लास 8 वाला भी मैं बताऊंगा, मैंने बोला है जैसे। और दूसरी बात है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपके पापा या मम्मी में से कोई भी काम करता है, अगर उनकी सालाना इनकम 1.5 लाख से कम है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आप केबीएस विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल में, या ऐसे किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ते हो जिसमें आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इसके लिए हाउ टू अप्लाई, कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करना है। तो भाई कुछ भी नहीं करना है, ये अप्लाई जो होता है ये ऑनलाइन होता है। आपको क्या करना है, साइबर कैफे में जाना है, यानी एक ऐसा दुकान होता है जिसमें सब फॉर्म को भरा जाता है, आपके आस पड़ोस में भी दिख जाता होगा दुकान। उस दुकान में जाना है, उस दुकानदार से बोलना है कि भैया मुझे जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है NMS का। जैसे ही ये फॉर्म रिलीज होगा 2024 के लिए, मैं अपडेट दे दूंगा। और ये सारी जो भी अभी बता रहा हूँ, इसके लिए क्लासेस भी जो है मैं अप्लीकेशन पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लास जो है आपको ये सारा अप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो अप्लीकेशन इंश्योर होकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी क्लासेस आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट जो मैं इसके डेट के बारे में बात कर दूँ कि इसका एग्जाम जो है कब तक होता है, तो देखिए एग्जाम का जो फॉर्म होता है अक्टूबर में जो है इसका एग्जाम होने की संभावना होती है। एग्जाम का जो फॉर्म है वो अक्टूबर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की जो भी होती हैं, यहाँ पे भी सेम वही होता है, इसका जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और एग्जाम जो होता है जनवरी और फेब के बीच में जो है आपका एग्जाम ले लिया जाता है। और ये जो मैं भी बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि इसी डेट पे होगा, हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। और इसे हम लोग बोलते हैं टेंटेटिव डेट, है ना, संभावित जो है कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, जून जुलाई में एडमिट कार्ड आएगा, नवंबर दिसंबर में सॉरी एडमिट कार्ड आएगा, जनवरी फरवरी में जो होगा आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये कुछ ये अप्लाई करने का तरीका था। और ये अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहां जाके अपने आप को आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, यानी आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे ही आप वहां रजिस्टर्ड कीजिएगा तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न का, कि भैया एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें जो है दो एग्जाम होते हैं, पहला जो होता है आपका मैट, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा जो होता है सेट, है ना। अब देखो सेट में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मतलब सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि इसमें आपको साइंस आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आपका SST पूछेगा, उसके बाद जो है इसमें आपको मैथ्स पूछेगा। ये तीन चीजें जो है आपको इसमें पूछने वाला है, यानी साइंस, SST और मैथ, ये तीन चीजें जो है आपको सेट में आएगी। और मेंटल एबिलिटी में जो है आपको पूछता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, इसमें भी बहुत बड़ा सिलेबस होता है। मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बता दूंगा कि कौन कौन सा सिलेबस जो है हमें कब कब पढ़ना होता है। अब मैट का जो एग्जाम होता है वो कितने मिनट का होता है, ये होता है आपका 90 क्वेश्चन का। ठीक है, 90 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट दिए जाएंगे। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, है ना, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 30 मिनट और जोड़ दीजिए 1.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें आपको 90 क्वेश्चन मिलेगा, और वो दोनों पार्ट होगा वर्बल और नॉन वर्बल वाला। ये एग्जाम जो होगा सेट वाला, ये भी आपका जो है 90 मिनट का ही एग्जाम होने वाला है। ये भी एग्जाम जो होगा वो 90 मिनट का ही होगा। इसमें जो स्कोर होता है 35,
35 और ये होता है आपका 20, है ना। 35 दूनी 70 और 20 90, यानी ये भी जो होगा 20, मतलब टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे इसके कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे आपके पास 90, यानी 90 नंबर का जो है ये भी होता है। आप एक बार देख सकते हैं कि साइंस में 35, SST में 35, उसके बाद जो है मैथ्स में आपको 20। तो इस तरीके से जो है इसके एग्जाम का पैटर्न होता है, और ये आप एग्जाम का पैटर्न जो है अपने आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैट में आपको दो चीजें पूछा जाएगा, वर्बल और नॉन वर्बल, जिसमें आपको 90 मिनट, 90 क्वेश्चन, सेम कहानी होती है सेट के साथ, 90 क्वेश्चन 90 मिनट, लेकिन सेट वाले में तीन चीजों में बांटा गया है, साइंस, SST और मैथ, जो आप क्लास 7th और 8th में पढ़ रहे हैं उसी से ये पूछा जाएगा। आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जरा बात करते हैं कि मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको जो है स्कॉलरशिप जो है वो कितना मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है कि आपको स्कॉलरशिप जो है कितना दिया जाएगा। तो देखिए, स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो पर ईयर जो है आपको 12,000 रुपये मिलते हैं, यानी 12 के का मतलब 12,000 रुपये पर ईयर, पर मंथ नहीं है आप लोग, ये पर ईयर है 12,000 रुपये। और ये कब तक मिलेंगे, 12,000 रुपये आपको 8th क्लास में क्वालिफाई करके जब आप 9th में जाइएगा तो आपको यहाँ पे 12,000 मिल जाएंगे। फिर 9th से जैसे ही आप 10th में जाइएगा, 10th क्लास में जब जाइएगा तो यहाँ पे भी आपको 12,000 मिलेंगे। 11th में भी जो है आपको पूरा 12,000 मिलेगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है, अभी मैं बताता हूँ। 12th में भी जाइएगा तो भी आपको 12K मिल जाएगा, यानी 12 दूनी 24, बढ़ते हैं 48, 48 बारतीय बार के चौबीस छत्तीस बार चौक 48, यानी 48K, है ना। अप्रोक्स जो है 50,000 के आसपास जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और 50,000 का जो है आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में। अगर आपके घर की फैमिली कंडीशन सही नहीं है तो आप इस एग्जाम की तैयारी करें। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर की फैमिली कंडीशन अच्छी है तो नहीं करेंगे, कर सकते हैं, तैयारी कीजिए। अगर आपको साल में 12,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी महीने का बताऊं तो महीने का आपको 1,000 रुपये मिल रहा है, जो कि अगर आप चाहें तो किसी भी ट्यूशन का फीस दे सकते हैं, ट्यूशन फीस आप निकाल सकते हैं, है ना। जो भी आपका ट्यूशन फीस है वो आप दे सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं, यहाँ से 1,000 रुपये आएगा और आप दे सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8th क्लास में क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए। जो स्कॉलरशिप देंगे वो चेक करेंगे कि क्या आपके 8th से जब आप 9th में गए हैं तो आपके 60% मार्क्स आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आपको 12,000 सालाना मिलेगा। फिर आपको देखा जाएगा नेक्स्ट कि 9वीं से जब 10वीं में गए हैं तो आपके 60% मार्क्स आए कि नहीं। 60% वाला जो क्राइटेरिया है इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, यानी हर एक क्लास में आपको 60% मिनिमम लेके जो है आना है, और 60% जो है आपको मिनिमम जो है यहाँ से लाना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। यानी 60% जो नंबर है आपको हर एक हालत में लेके आनी पड़ेगी, तभी जाके जो है ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्लास 8 में विदिन 60%, यानी क्लास 8 में जो है आपको 60% जो है मार्क्स लेके आना ही पड़ेगा। जैसे ही आप ये 60% नंबर ले आएंगे तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे इस पूरे स्कॉलरशिप के लिए। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पूरी कंडीशन समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको करना है तैयारी और क्या क्या चीजें जो है आपको इसमें मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी में प्रिपरेशन कराऊं, मैट की अगर मैं प्रिपरेशन कराऊं या मैं सेट का प्रिपरेशन करूं, मैं क्लास 8 में हूं तो मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पहला बात कि आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कीजिए कि यस सर मैं एग्री हूं, हाँ भैया मैं तैयार हूं, हाँ मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं, तो आप क्लास लगा दीजिए, बिल्कुल मैं क्लास अरेंजमेंट कर दूंगा। और तीनों चारों क्लास होंगी, मैट की भी होगी और सेट की भी होगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी क्लास अरेंजमेंट कर दूंगा, बट आपका कमेंट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, वीडियो को कम से कम 1K जो है थम्सअप चाहिए, और व्यू जो भी है आप 1K तक व्यू भी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे
सेवेंथ से एट में मूव कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद होने वाला है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यह एप्लीकेशन का भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम भी पे भी जुड़िए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वंस अगेन कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।